फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। हम एक एपी गिवन है, इसके एंड से हमें 20th टर्म फाइंड करना है। तो इस एपी अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म है यानी ए वो हो गया 3। कॉमन डिफरेंस यानी डी ये कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 8 माइनस 3 ये आ गया 5। और जो लास्ट टर्म है 253 इसको हम ए एन या एल से भी डिनोट करते हैं। एन है 20 ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें 20th टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है। एपी में कोई भी टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना हो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है एल माइनस एन माइनस 1 डी। तो इन तीनों की वैल्यूज यहां पुट करके हम 20th टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड कर लेंगे। एल गिवन है 253 तो यहां पुट करेंगे 253 माइनस एन की वैल्यू 20 माइनस 1 और डी है 5। 253 माइनस 20 माइनस 1 होता है 19 इंटू 5 95। 253 माइनस 95 करेंगे आंसर आएगा 158। तो ये आ गया 20th टर्म फ्रॉम द